जय सियाराम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। व्यक्ति अपने सुखों की खातिर कहाँ कहाँ नहीं भागता, कहाँ कहाँ नहीं दौड़ता, लेकिन तमाम जब परेशानियाँ आती हैं, संकट आता है, तो बरबस भक्तों के मुख पे एक जो नाम आता है वो हनुमान जी का ही है, क्योंकि संकटों से छुड़ाने वाले हनुमान जी ही हैं। कई बार इस बात की चर्चा हो चुकी है कि भगवान राम, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार, और जब वो नरलीला कर रहे थे और उसके बाद जब जब भी संकट आया तो हनुमान जी ने ही उन संकटों से भगवान राम को उबारा और उनके सभी कार्यों को संपादित किया। तिनके काज सकल तुम साजा। तो ऐसे हैं हनुमान जी। खासकर चर्चा इस बात की होती है कि जब माता सीता अपने सबसे विकट परिस्थिति से गुजर रही थी, यानी जिस वक्त वे चाह रही थी कि कहीं से अग्नि का प्रबंध हो जाए और अपनी इस देह लीला को समाप्त कर दें, उस वक्त भी हनुमान जी तरु पल्लव महरहा लुकाई, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि वहीं पे छुप करके बैठे हुए थे। तो जब जब भक्तों पर संकट आता है और भक्तों को लगता है कि कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, हनुमान जी नहीं सुन रहे हैं, कृपा नहीं हो रही है, तो विश्वास रखिए हनुमान जी कहीं आपके आसपास नहीं हैं, और उचित समय आने के बाद वह निश्चित तौर पर अपनी कृपा दिखाएंगे और आपके सभी संकटों को क्षण भर में दूर कर देंगे। अभी हम एक ऐसे महामंत्र की बात करेंगे। ये वो महामंत्र है जो सर्व फलदायी है, और काफ़ी वर्ष पहले एक पंडित जी ने मुझसे चर्चा की थी और उन्होंने ये मुझे स्वयं बताया था कि आप भी इसका जप किया करें। तो पहले तो मैं इसको नियमित जप करता था, हालांकि समय समय पे मैं अलग अलग मंत्रों का जप करता हूँ, लेकिन फिर भी ये वो मंत्र है जिसका मैं अपने सुबह की पूजा में कम से कम 3 बार जरूर इसको पढ़ता हूँ, और हनुमान जी को जो भी मैं भोग अर्पित करता हूँ तो तुलसी दल डाल करके इस मंत्र का सुमिरन में जरूर करता हूँ। तो ये वो महामंत्र है कि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो, चाहे आपको सांसारिक कोई कामना हो, सांसारिक कामनाओं का अर्थ है कि अगर आप रोज़ी रोज़गार की तलाश में हैं, किसी लड़के या लड़की की शादी नहीं हो रही है, लड़कियां भी इसको जप सकती हैं, या फिर किसी भी प्रकार के सुखों में आपको कमी आ रही है तो आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इस मंत्र के साथ ये है कि व्यक्ति जब विकट परिस्थिति में, खास करके मानसिक उद्विग्नता की स्थिति में हो, मानसिक रूप से जब खुद को अस्वस्थ महसूस कर रहा हो, उदासी उसे चारों तरफ से घेरे हुए हो, उसे लगता हो कि अब तो जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, कुछ इस तरह की मानसिक स्थिति भी अगर आपकी बन गई है, तो 11 बार सिर्फ आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके भीतर कुछ नया सृजित होने लगा है, एक नया संचार आपके भीतर, हृदय के भीतर होने लगा है, हनुमान जी की कृपा आप महसूस करने लगेंगे। उस दिन अगर आप इसको एक अनुष्ठान के तौर पर लें, साधना के तौर पर लें, उसके बाद आप 11 बार भी इस मंत्र का सुमिरन करेंगे, जप करेंगे, 3 बार भी अगर आप इसका उच्चारण कर देंगे 24 घंटे में एक बार भी, तब भी आपको लगेगा कि बहुत ही ये फलदायी मंत्र है। और आमतौर पे जो भी हनुमान जी के साधक हैं और कोई भी व्यक्ति अपनी सांसारिक इच्छाओं को लेकर के पहुंचता है कि इस तरह की परेशानी है, तो निश्चित तौर पे इस मंत्र को बताया जाता है कि इस मंत्र का आप जप कीजिए। वैसे तो देखिए समय समय पे हनुमान जी के जितने सारे मंत्र हैं सभी सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन कई बार कुछ इस तरह की प्रेरणा होती है ईश्वर की, हनुमान जी की, तो व्यक्ति किसी विशेष मंत्र के प्रति खुद को आकर्षित महसूस करता है और उसके बाद उसको वो जपना शुरू कर देता है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा कि इस मंत्र को पहले मैं काफ़ी जपा करता था, लेकिन अब फिलहाल इसको मैं 3 बार जरूर अपने पूजा में इसको शामिल करता हूँ। तो इसको आप एक अनुष्ठान के तौर पर लीजिए और इस मंत्र का आप जप कीजिए। बहुत ही शक्तिशाली ये मंत्र है और किसी भी मंगलवार से इसको आप शुरू कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष का, जैसा कि अक्सर हम चर्चा करते हैं, शुक्ल पक्ष का मंगलवार हो तो अति उत्तम होगा, और इसकी पूरी तैयारी आप
पहले से कर लें, कोई भी मंगलवार आए उसके पहले से कुछ आवश्यक जो तैयारियां होती हैं उसमें शुद्धता का विशेष तौर पे ध्यान दिया जाता है। शारीरिक शुद्धता के साथ साथ मानसिक शुद्धता भी हो, क्योंकि शारीरिक शुद्धता तो हम हठपूर्वक कर लेते हैं कई बार, लेकिन मानसिक जो शुद्धता है बहुधा नहीं हो पाता। मानसिक रूप से हम कुछ ऐसे वैसे विचारों में फंस जाते हैं, भटकते रहते हैं। तो कोशिश ये हो कि ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान जी का हम चिंतन करें, सुमिरन करें, पाठ करें या उनकी कथाओं का श्रवण करें, जिस भी माध्यम से कर सकते हो। रामचरितमानस अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ें, सुन सकते हो तो सुने। तात्पर्य यह है कि अन्य किसी विषयों का चिंतन, अन्य किसी विषय के बारे में श्रवण या पाठ या फिर उसका दर्शन हम ना करें, तो हमारे जो वैचारिक शुद्धता है, जो मानसिक शुद्धता जिसको कहते हैं, वो आपकी बरकरार रहेगी। नहीं तो शारीरिक शुद्धता तो बहुधा भक्त कर ही लेते हैं, स्नान ध्यान आदि पे ध्यान देते हैं, 11 दिन या 21 दिन की साधना है तो ब्रह्मचर्य वगैरह का भी पालन हठपूर्वक करते हैं, लेकिन जो मानसिक रूप से जो शुद्धता होनी चाहिए उसमें बहुधा गड़बड़ी हो जाती है। तो इसलिए हमने कहा कि कोई भी अनुष्ठान हनुमान जी का आप लेने जा रहे हो तो आप ऐसा कोई काम ही ना करें, कुछ पढ़िए ही नहीं उस तरह का, कुछ देखिए ही मत, कुछ सुनिए ही मत, वही सुनिए जो हनुमान जी से संबंधित हो, वही पढ़िए और उसी के बारे में फिर ये स्वाभाविक है कि आपको चिंतन होगा। तो एक दिन पहले ये पूरी तैयारी आप कर लें, शुद्धता का ध्यान रखना शुरू कर दें, और जिस दिन से आपको इसको अनुष्ठान के तौर पर लेना है, या तो आप 11 दिन का अनुष्ठान करेंगे या 21 दिन का अनुष्ठान करेंगे, या आप चाहें तो 31 दिन का भी कर सकते हैं, लेकिन 11 दिन का भी आप करेंगे तब भी आपको बहुत जल्द इसका सुफल मिल जाएगा। तो हनुमान जी के पूजन के लिए जो आवश्यक है कि अगले दिन चूँकि आप घी का दीपक जलाएंगे तो शुद्ध घी वगैरह मिल जाए तो ले लें। अब शुद्ध कहाँ से मिले इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमने कई बार कुछ लोगों से बातें भी की जो लोग हनुमान जी के साधक हैं कि शुद्ध घी कहाँ मिलेगा गाय का, तो ये होता है कि आमतौर पे कुछ ऐसे ब्रांड हैं खासकर जिनका संचालन साधु महात्मा प्रकृति के लोग करते हैं, तो कम से कम उस तरह की मिलावट नहीं करते। मिलावट तो थोड़ी बहुत रहती है, लेकिन तेल संबंधी मिलावट हो जाए, लेकिन जो उस तरह की मिलावटें होती हैं वो नहीं होती ज़्यादा। तो उस पर ध्यान रख कर कि आप उस तरह का घी की व्यवस्था कर लें। अगले दिन हनुमान जी को भोग लगाने के लिए कुछ लड्डू, मिष्ठान या फिर गुड़, इसकी व्यवस्था कर लीजिए। और फिर मंगलवार को जिस दिन से आप साधना शुरू करने जा रहे हों, उस दिन सुबह जगने के बाद भगवान सूर्य को अभिषेक कर लीजिए और फिर अपने पूजा स्थल पर बैठ जाइए। लाल वस्त्र आप धारण करें तो अति उत्तम है। आसन भी बिछा दीजिए, लाल आसन हो तो बहुत ही बढ़िया। हनुमान जी अगर चित्र रूप में आपके पूजा स्थल पर विराजमान हो, कोई भी मुद्रा हो हनुमान जी की, आशीर्वाद मुद्रा वाले हनुमान जी हो तो अति उत्तम। वैसे इसमें ना फंसे कि हमने गदा लिए हनुमान जी को रखा है या फिर पहाड़ लिए हनुमान जी को रखा है तो हम करें या ना करें, हर व्यक्ति करें, लेकिन हमने कहा कि अगर ये मुद्रा हो आपके पास घर में हनुमान जी के तो अति उत्तम है। बाकी सभी मुद्राएं पूजनीय हैं और विशेष कार्य सिद्धि के लिए सभी मुद्राओं का अपना अलग अलग विशेष महत्व है। तो इस तरह से आप बैठ जाएं, घी का दीपक जला लें और पुष्प आदि से हनुमान जी का पूजन कीजिए, और किसी पूजा के पहले हाथ में एक बार जल ले करके, फूल ले करके संकल्प कीजिए कि हम 11 दिन का या 21 दिन का या 31 दिन का हनुमान जी हम आपका पूजन करने जा रहे हैं और हमारी ये विशेष मनोकामना है, या कम से कम आप कृपा हम पे बनाए रखें, भक्ति ही दे दीजिए, जो भी आप मांगना चाहते हो वो हनुमान जी के सामने कहते हुए उसके बाद ये जो पुष्प है हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। और फिर कुछ देर राम नाम का संकीर्तन कर लें। सबसे बढ़िया संकीर्तन तो यही है, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, इसको कुछ देर गुनगुना लीजिए, गा लीजिए 5 मिनट, और उसके बाद फिर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ पूरा होने के बाद अब वो जो चमत्कारिक मंत्र है वो आप रुद्राक्ष की माला से उस मंत्र का आप जप कर लीजिए, और वो जो महामंत्र है वो मंत्र है ओम नमो भगवते आंजनेय महाबलाय स्वाहा। ओम नमो भगवते आंजनेय महाबलाय स्वाहा। और इसका अर्थ भी आप जान लें,
ओम नमो भगवते आंजनेयाय। आंजनेयाय मतलब जो अंजनी के पुत्र हैं, माता अंजनी के जो पुत्र हैं हनुमान जी। मैं ऐसे महाबलशाली हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ जो माता अंजनी के पुत्र हैं। इसका भावार्थ ये हुआ, ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। मैं ऐसे महाबलशाली हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ जो माता अंजनी के पुत्र हैं। और इस मंत्र का आप 11 दिन का आप अनुष्ठान लें, यानी 11,000 जप आपको करना है। यानी आप प्रतिदिन 10 माला का जप करेंगे तो 11वें दिन 11,000 हो जाएगा। यानी एक दिन में 1,000 मंत्रों का जप, 10 माला करने में कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, एक घंटे के अंदर ही सारा कुछ हो जाएगा। तो 11 दिनों तक आप ऐसा करें या 21 दिनों तक करें, और प्रतिदिन इसी क्रम को दोहराना है, इसी क्रम को। इसी प्रकार से आप दीप जलाएं, उनका पूजन कीजिए, और संकल्प सिर्फ एक दिन लिया जाता है, पहले दिन, और बाकी दिन आप पूजन कीजिए और इस मंत्र का जप कीजिए, और बाद में संभव हो सके तो हनुमान जी की आरती कर लीजिए। और इस तरह से शुद्धता का आप ध्यान रखिए। उपवास की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अनुष्ठान के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, लहसुन प्याज आदि चीज़ों का हम परित्याग कर दें। और हमने पहले ही आपसे कहा कि शारीरिक शुद्धि के साथ साथ मानसिक शुद्धि भी रखें। एक और अच्छी बात इस मंत्र के साथ है कि जो लोग भी नकारात्मकता से परेशान हैं, नकारात्मक शक्तियाँ उन पर ऐसा लगता है कि हावी हो गई हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इस तरह की शक्तियों से हम परेशान हैं या किसी ने कुछ ऐसा वैसा कर दिया है, तो उनके लिए भी ये मंत्र बहुत ही फलदायी है। हमने विद्वान आचार्यों को, पंडितों को, ऐसी कन्याओं को भी ये मंत्र देते देखा है जिनकी शादी में विलंब हो रहा है, या किसी कारण से उनकी शादी बन नहीं पा रही है कहीं, या लड़के की भी। इसमें लड़कियां भी उसी हिसाब से, महिलाएं भी उसी हिसाब से जप कर सकती हैं जिस प्रकार से पुरुष। इसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, बल्कि हमने कहा आपसे कि हमने स्वयं देखा है बहुत सारी ऐसी लड़कियों को, महिलाओं को, जिन्होंने इस मंत्र का जप किया है और उनको अपना मनोइच्छित मिला है, यानी मन में जो उनकी इच्छा है वो उसे प्राप्त हुआ है। तो 11 दिन, 21 दिन या 31 दिन की जब साधना पूरी हो जाए, जब आखिरी दिन आए, तो आप इसका हवन जरूर करें। यानी दशांश हवन होता है, दशांश का मतलब 10%। अगर आपने 11,000 मंत्र का जप किया है तो उसका जो दशांश हवन होगा 1100, यानी 11 माला से होगा, उसी मंत्र से होगा जो ओम नमो भगवते आंजनेय महाबलाय स्वाहा। हवन सामग्री बाजार से ले लीजिए और 11 माला का जाप करते हुए स्वाहा, ओम नमो भगवते आंजनेय महाबलाय स्वाहा, उसमें तो स्वाहा लगा भी है, तो आप इस तरह से आप 11 माला का हवन कर लीजिए। 10% दशांश जिसको कहते हैं, दशांश आपको हवन करना है, और फिर उसका दशांश तर्पण करना है। तर्पण करना है, जो लोग नहीं जानते उस दिन किसी पंडित जी को बुला लें, वो आपको बता देंगे। जल पात्र वगैरह में डाल करके उसमें तर्पयामी तर्पयामी करके उस मंत्र से किया जाता है। तो 11 का 10% जो हुआ उस मंत्र का आप तर्पयामी कर लेंगे, यानी तर्पण कर लेंगे, और उसके बाद मार्जन जिसको कहते हैं उसका 10% मार्जन कर लेंगे, मार्जयामी। तो इस प्रकार से ये साधना पूरी होती है, और फिर उस दिन हनुमान जी की आरती वगैरह करें, और जो भी संभव हो सके आप भोजन आदि कराएं, ब्राह्मणों को कराइए, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको कराइए, और इस तरह से आपकी ये साधना पूरी हो जाएगी। किसी प्रकार की कोई परेशानी है करके देखिए, निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा करते हैं। और एक बार दो बार जब भी आपको मौका मिले, जब मौका मिले, इस मंत्र का इस प्रकार से अनुष्ठान के तौर पर ले सकते हैं, और फिर प्रतिदिन की पूजा में भी इसको आप शामिल कर सकते हैं। प्रतिदिन आप एक माला का जप कीजिए, हमेशा आपके जीवन में सब कुछ अच्छा रहेगा, क्योंकि हनुमान जी की शरण में जाने के बाद सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। दुनिया का कोई भी ऐसा सुख नहीं है, इस लौकिक सुख की हम बात करें, जो बचता हो हनुमान जी की पूजन के बाद, सब मिल जाता है। अभी तो हनुमान भक्ति पे चर्चा हुई थी, 9 निधियों की बातें हुई थी, 8 सिद्धियों की बातें हुई थी। 9 निधियों में संसार का सब खजाना आ जाता है, कुछ भी बचता नहीं है, और व्यक्ति सुखों के पीछे भागता है,
सुख तो एकमात्र हनुमान जी की शरणागति में ही मिलने वाला है, बाकी अन्यत्र कहीं नहीं। हम जितने ही ज़्यादा इधर उधर की बातों में भरोसा करते हैं या इधर उधर के लोगों में भरोसा करते हैं, यकीन मानिए हम अपना सिर्फ समय जाया करते हैं, समय व्यर्थ गंवाते हैं। एकमात्र हनुमान जी की शरण में जाइए, सब कल्याण वहीं से होने वाला है। तो इस प्रकार से अनुष्ठान को कीजिए और प्रतिदिन इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं, और नहीं तो कम से कम 3 बार तो प्रतिदिन तो बोलिए ही, ओम नमो भगवते आंजनेय महाबलाय स्वाहा, ओम नमो भगवते आंजनेय महाबलाय स्वाहा। सोते टाइम भी बोल लीजिए, और आप विश्वास कीजिए हनुमान जी फिर स्वयं सब संभालने लगते हैं, क्योंकि वहाँ अभाव नहीं है। भक्तों का भाव अगर हनुमान जी के प्रति आ जाए तो सारे अभाव दूर हो जाते हैं, ऐसे हैं हनुमान जी। तो इस चमत्कारिक मंत्र को आप जपिए, इसका अर्थ जानते हुए जैसा कि मैंने बताया, और विश्वास के साथ जपिए, क्योंकि नवदा भक्ति में भगवान राम स्वयं कहते हैं कि नाम जप मम दृढ़ विश्वासा। जप तो कीजिए ही, जप से फायदा मिलता है, लेकिन दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वास आपका होना चाहिए, आपका विश्वास इतना प्रबल होना चाहिए कि हनुमान जी सब करते हैं, तो हनुमान जी सब कर देंगे। जय सियाराम।